नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस रिपोर्ट में बात करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया सिद्दीकी के रिश्तों के बारे में। इन दोनों के रिश्ते सोशल मीडिया की सुर्खियां बन चुके हैं। लगातार आलिया सिद्दीकी अपने पति के खिलाफ वीडियोज जारी कर रही हैं, पोस्ट के जरिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में आलिया सिद्दीकी के लिए सवाल ये है कि आलिया सिद्दीकी अपने आरोपों को सच्चा साबित करने के लिए आखिर सोशल मीडिया का सहारा क्यों ले रही हैं? जब उनके पास सबूत है तो फिर वो कोर्ट का और पुलिस का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाती? लगातार आलिया सिद्दीकी वीडियोस पे वीडियोस जारी कर रही हैं, पोस्ट जारी कर रही हैं। लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट को जारी किया है और साथ ही अपने पति के साथ उनकी बातचीत को भी वायरल किया है। ऐसे में आलिया सिद्दीकी क्यों सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं, क्यों वो कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाती, काफ़ी ज़्यादा अहम सवाल है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में अभी तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी अब आलिया सिद्दीकी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आलिया सिद्दीकी पर आरोप लगाते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि आलिया सिद्दीकी के पास घर नहीं है। ये बात झूठी है क्योंकि आलिया को मैंने खुद घर खरीद करके दिया है और उसने अपना घर किराए पर लगाया है, जो कि उसकी मर्जी है। वहीं दूसरी ओर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि उनके बच्चे काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऐसे में किसका दोष है? वहीं अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया की बात करें तो आलिया सिद्दीकी ने ये आरोप लगाए थे कि नवाजुद्दीन ने अपने मैनेजर पर भरोसा करके उनकी बेटी को उनके मैनेजर के साथ अकेले दुबई भेज दिया। उन्होंने नवाजुद्दीन के मैनेजर ने उनकी बेटी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया, क्या कुछ कह रही हैं, कैसे कैसे बयान दे रही हैं और उनके बीच में क्या कुछ बातें हुई हैं, इस वीडियो में देखिए। किसी को मेरे घर पे जाके क्यों? एक अच्छा एक चीज बताओ आप। किसी कोई नहीं है, वो मेरे अपने भाई नाम देखते हैं वो लोग। पर बीबी आपने इजाजत कैसे दे दी उसको शौहर को भी ले जाने के लिए? इजाजत दी क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। अरे आपको भरोसा, मुझे नहीं भरोसा है। मैं ना हो तुम्हें तो किसी को भरोसा नहीं है भाई। आप कैसे इजाजत दे सकते हो? कंप्लेन करनी हो पुलिस में जाके कर दो। पर आप इजाजत दे सकते हो? बेटी जवान हो रही है। मुझे मुझे यकीन है उस आदमी पे। कैसे यकीन है तुमको? मेरे मेरा भी सुनो, दोनों को बराबरी का हक है। मैं किसी के साथ भी भेजूंगी ना अलग कंट्री में तो विदाउट आपके परमिशन भेज ही नहीं सकती हूँ। पहली चीज सुनो, मेरा भरोसा है यार। नहीं, मैं भरोसा छोड़ दो, यहाँ कोर्ट भरोसा नहीं मांगती है। मैं क्या बात करोगे? मेरी बात सुनो, जाके बात करोगे आप मेरे इजाजत के बिना बच्चे किसी के साथ? नहीं, आप वहाँ दुबई में रहेगा, वो मेरे घर पे आके। मैं कह रहा हूँ कि वो जब आ जाएंगे वो लोग तब बात करो। पर दुबई में वो लोग मेरे घर पे रहेंगे? मैं जहाँ जिस भी पुलिस स्टेशन में जाने जाके बात करो। पहले बताओ कि दुबई में वो लोग मेरे घर पे आके? मेरे घर है वो, मेरा घर है, मैं पैसे देता हूँ उसके। बच्चे नहीं जाएंगे फिर? बच्चे वहाँ नहीं रहेंगे। तुम रोक सकती हो बच्चों को? मैं रोक सकती हूँ। रोक दो, जाओ। कल की डेट में पूनम को बुला के बच्चे मेरे पास रहेंगे। अगर पूनम आ जाए यहाँ पे जो चलो लगा लो शर्त और कोर्ट में जाके आपको राइट ही नहीं है बच्चे ले जाने का। बात कर रही और नहीं, डरो मत। आप सुनो ना, आप पैसे की सुनो, आप पुलिस में जाके शिकायत। आप पैसे का ना दम मत दिया करो, पहली बात। पैसे का दम मत दिया करो। आप लड़ने आ रहे हो यहाँ पर? मैं नहीं लड़ने आई हूँ आपसे यहाँ। मैं लड़ने नहीं आई हूँ आपसे। मेरे को आप डराते हो? आप बड़े लोग के साथ बैठ रहे हो, पॉलिटिक्स के साथ। मुझे मत डराओ, सुन लो, तुम मुझे मत डराओ। मेरे बच्चे कोई गैर आदमी के साथ नहीं जाएंगे। तू जाके कंप्लेन कर, तू जा। कल की डेट में मेरे बच्चे आएंगे, मैं एम्बेसी में। चलो लग गई ना नवाज, मैं एम्बेसी में बोलूंगी मेरे बच्ची के साथ कल को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार अनूप और आप है। ठीक है? नहीं, पर मेरे बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे जब तक कोर्ट नहीं बोलेगी कि आपको इजाजत है दूसरी कंट्री में भेजने का। आपने कैसे भेज दिया मेरे बच्ची को? अरे तुम जाके नहीं, कैसे भेज दिया मेरे बच्ची को आपने? बच्ची भी गया था, यानी भी गया था। यानी तो छोटा है, उसको अकल नहीं है। बच्ची मेरी जवान हो रही है। तुम जाके बोल दो ना किसी को। कैसे आपने भेज दिया? छोड़ो ना, मैंने भेज दिया। क्यों भेजा आपने? पूछा क्यों नहीं मुझसे? क्यों नहीं पूछा आपने मुझसे? उसको इतना हक है मेरे घर में घुसने का? सिर्फ ये बताओ, उसको इतना हक है मेरे घर में घुसने का, मेरे परिवार के अंदर घुसने का? ये आज मैं तुम्हारे घर में घुस के हिसाब लूं, तुम्हारे घर का राशन पूछूं, कैसा अच्छा लगेगा? या अनूप के घर पे घुस के उससे पूछूं कि भाई तेरे घर में क्या हो रहा है, तेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? किसी को हक है किसी की लाइफ में? तू मेरी लाइफ में क्यों इतनी दखलंदाजी करवा रहे हो सबको?
भी दखल अंदाजी कर रहे हो। आपको बच्चे पालना है, कोर्ट से बोलो कि भाई मैं दुबई में रखूंगा, अपनी शर्तों में रखूंगा। भाई मेरे बच्चे मेरा भी तो हक होता है। नहीं, हक है, हक है आपका। आप दूसरे आदमी गैर आदमी के हाथ में नहीं दे सकते, दूसरे गैर आदमी के सामने नहीं दे सकते आप। नो नवाज, दिस इज रॉन्ग। नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली भाई। पॉलिटिक्स आपके पास है, आप मोदी के साथ बैठे हैं। अरे भाई, आप मोदी के साथ बैठे, बदनाम कर दो। मेरी बात सुनो, मेरे पास तो ऐसी चीजें आई है यार, मिनाज की ना, कि आपके घर के लोग एक्सेप्ट कर लिए चीजें। वो तो वक्त आएगा, चीजें वो भी दिख जाएगी। कर दो भाई। बट यार, दिस इज रॉन्ग जो आप बात कर रहे हो ना बेबी। क्या ये जो बात कर रहे हो कि क्या? मैं किसी के हाथ भी भेज सकता हूँ, तुम्हारा विश्वास है? मैं अनूप के हाथ भेज सकता हूँ? मैं अनूप के हाथ में विश्वास नहीं करती ना। अनूप को कोई भी हूँ, एक्स वाई जेड कोई भी तुम्हारा करीबी हो, मैं सिर्फ आप पे बिलीव करती हूँ। तुम उसके बाप हो, उसके अलावा दूसरा आदमी मैं ना ब्रदर ना सर्वेंट ना कोई, मैं नहीं बिलीव करूंगी जब तक मेरा बच्चा 18 साल का ना हो जाए। मैं जाती हूँ बच्चों के साथ, मैं जाती हूँ बच्चों के साथ। नहीं, तुम नहीं जाते, तुम गए थे दुबई, कतर कैसे भेज दिया अकेले? भेज दिया मैंने, मेरा ट्रस्ट उस आदमी पे। अरे ऐसा कैसे ट्रस्ट, तुम एक रात एक दिन के लिए कैसे भेज दिया? एक रात एक दिन के लिए कैसे भेज दिया बाबा? तुम्हारा ट्रस्ट है मेरा कहना ठीक है, तुम्हारा ट्रस्ट तुमने एक रात और एक दिन के लिए कैसे भेज दिया? मेरी बच्ची कितनी डरी थी, कितनी सहमी थी, आपको पता है? अभी मेरे पास सब कुछ है उसके। इस वीडियो में आपने देखा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया सिद्दीकी एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं और उस मैनेजर का भी जिक्र कर रही हैं जिस मैनेजर के साथ नवाज की बेटी दुबई तक गई थी। साथ ही अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। आपको बता दें कि एक लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स को भी जारी किया था। उस बैंक अकाउंट में वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी लगातार अपनी फैमिली के साथ ठीक संबंध नहीं बना पा रहे थे, वो अपनी फैमिली का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, वो अपने बच्चों के लिए अपनी पत्नी के लिए पैसे नहीं दे रहे थे। ऐसे में उनका ये बैंक स्टेटमेंट और उनकी ये वीडियो कहाँ तक का आगे उन्हें इंसाफ दिला पाएगी या फिर नहीं, काफ़ी अहम सवाल है। और उससे भी ज़्यादा अहम ये है कि अब इस पूरे मामले में वो हाई कोर्ट का रुख कैसे करेंगी, क्या वो केवल सोशल मीडिया के ज़रिए ही अपनी बातों को रखेंगी या फिर एक तथ्य को लेकर के वो पुलिस का दरवाज़ा खटखटाएंगी और पुलिस के ज़रिए अपना इंसाफ मांगेंगी। और अगर इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की जाती है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहीं ना कहीं से निशाने पर आ सकते हैं, उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं से खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में बड़े से बड़े सबूत को आलिया सिद्दीकी ने दिखाया है। ऐसे में बहुत दिलचस्प होगा देखना कि आगे आने वाले दिनों में नवाज के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाएगी और हाईकोर्ट इस पर क्या एक्शन लेगा। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।